Hello students, how are you? And today I am going to explain the lesson number 9 of class 3 from NewsM's English Reader, and the name of the lesson is The Zebra's Pajamas. Name of the lesson is The Zebra's Pajamas. Zebra's pajama means zebra ka pajama. So let's learn how the zebra scored the pajamas. So let's start the lessons. Have you ever wondered why zebras always wear pajamas? क्या आपको भी कभी wonder हुआ है, आश्चर्य हुआ है? Wonder means आश्चर्य. क्या आपको भी कभी wonder हुआ है, surprise हुआ है कि why zebras always wear pajamas? कि जो zebras हैं वो हमेशा pajamas क्यों पहनते हैं? Of course, they cannot now remove them. ये सच है कि वो इसे remove नहीं कर सकते. They have become a part of their skin. ये जो है वो उनके skin का part बन गया है. But long, long ago, in the days when animals behaved like humans, in the great animals world, there lived a horse family. लेकिन बहुत बहुत समय पहले की बात है कि जब animals humans की तरह इंसानों की तरह behave करते थे great animals world में, जब animals भी humans की तरह behave करते थे, तब की ये बात है, जानवरों का जो world था, संसार था, उसमें एक horse family भी रहती थी. There were the brothers stallion, mule, and little zebras and their sister Palomino. वहाँ पर वे brothers थे जिनका नाम था stallion, mule, little zebras और उनकी sister थी Palomino. तो उनकी sister का नाम था Palomino. Stallion और Palomino जो थे वो wild creatures थे, जंगली creatures थे, जंगली जानवर थे. Always on the move, वो हमेशा मूव करते रहते थे, हमेशा कोई ना कोई एक्शन वर्क या मूवमेंट करते रहते थे. दे लव नेचर एंड फ्रेश एयर, उन्हें नेचर और फ्रेश एयर बहुत पसंद थी. एंड वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और वह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे. जस्ट टू गो फॉर ए रॉम्प, और वो सुबह जल्दी किस लिए उठ जाते थे? वो सुबह जल्दी उठ जाते थे क्या करने के लिए? एक रॉम्प करने के लिए. रॉम्प होता है कि कोई भी केयर फ्री वॉक प्ले, यानी कि कोई भी ऐसा खेल जिसमें वो बहुत ही फ्री होके खेल सके. नॉन टू बी रेस्टलेस, उन्हें रेस्टलेस कहा जाता था, रेस्टलेस जो कि कभी रेस्ट नहीं करते. दे कुड नेवर स्टैंड स्टिल, दे कुड नेवर स्टैंड स्टिल फॉर लॉन्ग, और वो कभी भी एक जगह पर बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं हो सकते थे. एंड दे ऑलवेज टुक एन एक्टिव पार्ट इन वॉट एवर वॉज हैपनिंग अराउंड देम, और वो हर पार्ट में, मतलब कि कोई भी एक्टिव पार्ट, यानी कि कोई भी ऐसे काम जिसमें वो एक्टिवनेस, यानी कि कुछ भी काम करना होता था, तो वो उसमें जरूर पार्ट लेते थे. चाहे वे कोई भी काम हो, कुछ भी उनके आसपास हो रहा हो, उसमें वो जरूर एक्टिव पार्ट लेते थे. म्यूल दो नॉट एज वाइल्ड एज हिज ब्रदर स्टैलियन एंड सिस्टर Palomino. म्यूल जो है वो इतना वाइल्ड नहीं था, इतना जंगली नहीं था जैसे कि उसके ब्रदर स्टैलियन और सिस्टर Palomino थी. Nevertheless had a wild streak in him which showed itself in the most unexpected moments. म्यूल जो है यद्यपि बहुत ज्यादा जंगली नहीं था अपने ब्रदर स्टैलियन और सिस्टर Palomino की तरह, लेकिन फिर भी had a wild streak in him, लेकिन उसके पास है फिर भी वो कुछ न कुछ एक क्रेजी थिंग्स करता रहता था. कोई वाइल्ड थिंग्स यानी कि कुछ भी कभी उसका मन करता था तो कभी कभी वो कुछ भी ऐसे जंगली चीजें कर लेता था. विच शोड इटसेल्फ इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स, जो कि ये दिखाता था अपने आप में कि एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स, यानी कि कभी वो ऐसा काम कर देता था जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, कभी कोई सोचता नहीं था. कभी कोई ऐसा मोमेंट आता था कि वो कोई ऐसा काम करता था जो सबको लगता था कि ये तो हम सोचते ही नहीं थे, और इसने इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कोई एक्टिव पार्ट किया. He was known to be stubborn. उसे stubborn बोला जाता था, यानी कि एक जिद्दी बोला जाता था. But could work hard. उसे एक जिद्दी के रूप में जाना जाता था, लेकिन फिर भी वो work hard करता था, यानी कि वो बहुत work hard करता था, यानी कि मेहनती था. Little Zebra, the youngest of the four, was very different from his brothers and sisters. Little Zebra जो था, जो four में से सबसे young था, वो बहुत different था अपने brothers and sisters से. He did not work like mule. वो mule की तरह काम नहीं करता था. He was not active. वो बिल्कुल active नहीं था like stallion and Palomino. और वो बिल्कुल भी active नहीं था stallion and Palomino की तरह. Stallion and Palomino की तरह वो बिल्कुल भी active नहीं था. All he did was switch his tails and lays about the house. बस वो खाली इतना ही करता था कि अपनी टेल को पटकता रहता था. Switch मतलब कि जमीन पे पटकना बार बार. And lays about the house. और पूरे दिन घर में सुस्ताता रहता था, लेस करता था, मतलब कि घर में लेसीपन दिखाता रहता था.
In the morning, when his brother and sisters would go out for a run, little Jabra could be seen wearing his night pajama and he would refuse to join them. सुबह जब उसके ब्रदर और सिस्टर वॉक पे जाते थे, रन करने के लिए जाते थे, तो लिटिल जेब्रा को देखा जा सकता था उसके नाइट पजामा को वियर किए हुए. ही वुड रिफ्यूज टू ज्वाइन देम, और वह उनके साथ जाने के लिए मना कर देता था, उन्हें ज्वाइन नहीं करता था. एट नाइट व्हेन स्टेलियन एंड पालोमिनो वुड गो फॉर एन आफ्टर डिनर गैलप, जेब्रा वुड अगेन रिफ्यूज टू ज्वाइन देम. रात में स्टेलियन एंड पालोमिनो जब आफ्टर डिनर करने के बाद में गैलप यानी कि बातचीत करने के लिए बाहर घूमने जाते थे, जेब्रा वुड अगेन रिफ्यूज टू ज्वाइन देम. जेब्रा उन्हें अगेन रिफ्यूज कर देता था, मना कर देता था, ज्वाइन नहीं करता था, सेइंग दैट ही वाज फीलिंग स्लीपी, और वह उन्हें कह देता था कि वो स्लीपी फील कर रहा है, उसे बहुत नींद आ रही है और वो नहीं जाएगा. एंड ही वुड प्रॉम्प्टली चेंज इनटू हिज पजामास एंड गो टू स्लीप, और वह बहुत ही तेजी से अपने पजामास में को चेंज कर लेता था और सोने चला जाता था. टिल जेब्रा मोर और लेस लिव्ड इन हिज पजामास, लिटिल जेब्रा जो है वो बहुत ज्यादा काल ही अपने पजामास में ही रहता था. However, as he was the youngest, हालांकि जब वह छोटा था, his brother and sisters never said anything to him. हालांकि जब वह छोटा था, उसके ब्रदर और सिस्टर उसे कभी भी कुछ भी नहीं कहते थे. And so he grew lazier and lazier. इसी तरीके से वो बहुत ही आलसी और बहुत ही ज्यादा आलसी बनता चला गया. One day the king of the animal world called all the animals for a meeting. एक दिन जो animals world का जो राजा था, उसने सभी एनिमल्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया. इट वॉज टू डिसाइड हाउ द किंगडम शुड बी रूल्ड, ये इसलिए था ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि जो किंगडम है, जो राज्य है, उसको रूल, उसका शासन कैसे किया जाएगा. ऑल द एनिमल्स वर टू टेक पार्ट इन मेकिंग द डिसीजन, सभी एनिमल्स को इस डिसीजन को लेने में पार्ट लेना जरूरी था. द हॉर्स फैमिली नेचुरली वॉज ऑल्सो कॉल्ड, द हॉर्स फैमिली थी, उसे भी बुलाया गया. Stallion and Palomino woke up earlier than usual, went for their morning run and were ready for the meeting. Stallion and Palomino usual से आम दिनों से जल्दी उठ गए and went for their morning run, और morning run के लिए चले गए. And were ready for the meeting, और meeting के लिए ready हो गए थे. Mule too woke up early enough, और mule जो है वो भी इतना जल्दी उठ गया कि उसने did all his work, उसने अपने सारे काम कर लिए and got ready for the meeting, और meeting के लिए ready हो गया. Little Jabra was still in his pajamas, little Jabra जो है वो अभी भी अपने पजामा में ही था. Mule nudged Zebra, mule जो थे उसने उसको light push करके जगाया, जैसे कि हम कोई सो रहा होता है उसे जब जगाते हैं, उसे हल्का सा पुश देके जो जगाते हैं उसे नज्ड कहते हैं. तो म्यूल ने उसे हल्का नज्ड देके जेब्रा को उठाया. हिज ब्रदर स्टेलियन एंड सिस्टर पालोमिनो प्रोडिड हिम, और जो सिस्टर ब्रदर स्टेलियन और सिस्टर पालोमिनो ब्रदर स्टेलियन और सिस्टर पालोमिनो ने भी उन्हें उसे प्रोत्साहित किया जाग जाने के लिए. बट ही जस्ट रिफ्यूज टू गेट अप, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया जगने के लिए. He was never able to wake up early in the morning. वह कभी भी इतना जल्दी नहीं उठा था, तो इसलिए वो जल्दी उठ नहीं पाया. They left him at home, went off to the meeting. उन्होंने उसे घर छोड़ दिया और मीटिंग के लिए चले गए. But they were scared of what would happen. लेकिन वो डर गए थे कि क्या होगा. Sure enough, the king noticed Jabra's absence. जैसा कि श्योर था पक्का था, किंग ने ये बात नोटिस कर ली कि जेब्रा जो है वो अब्सेंट है. उसकी अब्सेंस को किंग ने नोटिस कर लिया. ही वॉज फ्यूरियस टू फाइंड दैट समवन कुड डिसओबे हिम, वह इस बात के लिए बहुत गुस्सा हो गया कि किसी ने उसका जो ऑर्डर है वो नहीं माना और डिसओबे किया, उसके ऑर्डर को माना नहीं और उसे डिसओबे कर दिया, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया. ही डिमांडेड दैट जेब्रा बी ब्रॉट टू हिम इमीडिएटली, उसने ये डिमांड की कि जेब्रा को तुरंत जो है वो उसके पास लाया जाए. स्टेलियन जो है वो घर की तरफ भागा जितनी तेजी से वह भाग सकता था. वोक अप जेब्रा एंड टोल्ड हिम दैट द किंग हैड ऑर्डर्ड हिम टू कम इमीडिएटली, जेब्रा को उठाने के लिए और उसे बताने के लिए कि किंग ने ऑर्डर दिया है कि उसे तुरंत लाने के लिए, उसे तुरंत बुलाया गया है, ऑर्डर दिया है कि उसे तुरंत आया जाए. पुअर जेब्रा वॉज सो स्केयर्ड दैट ही रैन एज ही हैड नेवर रन बिफोर, पुअर जेब्रा इतना ज्यादा डर गया कि वह इतनी तेज भागा कि जितना पहले वो कभी भी नहीं भागा था. एंड इवन फॉरगॉट टू चेंज हिज पजामा, और वो यहाँ तक कि अपना पजामा भी चेंज करना भूल गया.
He shouted at Jabra. वह Jabra पर चिल्लाया. For delayed the meeting and daring to come before me in your pajama. वह Jabra पे चिल्लाने लगा कि उसकी वजह से मीटिंग करने में देर हो गई, यहाँ तक कि उसने किंग के सामने पजामस में आने की हिम्मत की. You will now never be able to remove them. अब तुम इसे कभी भी रिमूव नहीं कर पाओगे. अब तुम इसे कभी भी रिमूव, अपने पजामस को कभी भी हटा नहीं पाओगे. योर डिसेंडेंट टू, और जो तुम्हारे वंशज होंगे वो भी. डिसेंडेंट मतलब कि तुम्हारे पीछे जो आने वाले जो वंशज हैं वो भी, यानी कि तुम्हारे बच्चे, आने वाले जो बच्चे होंगे वो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे. विल फॉर एवर हैव टू वियर देम, और तुम्हें इसे हमेशा के लिए पहनना होगा. एंड टू दिस डे, और उस दिन से जैबराज वियर पजामा, और उसी दिन से जो जैबरा है वो पजामा पहनने लगे. So how you find this lesson, my students? And you can see the king is here, and all the animals from the animals world had gathered here to attend the meetings. And king got angrier because he could not reach the destination on time to attend the meeting which was called by the king. And king got very angry by seeing the jabras in his pajamas. King had decided at that moment that jabras and descendant could not able to remove their pajamas on that day onwards. So let's check the exercise. Tick the correct options. Jabra's sister was called Palomino. Mule was known to be stubborn and hard working. The king of the animal world called all the animal to decide how the animal kingdom should be ruled. Little Jabra did not go for the meeting because he found it difficult to get up early in the morning. B. Answer these questions. Answer these questions. Give a brief descriptions of each member of the horse family. जितने भी horse families में members थे उनके बारे में describe करो. तो let's see. There were four members in horse family. Horse family में four members थे. ब्रदर स्टेलियन एंड सिस्टर पोलोमिनो वर वाइल्ड. जो ब्रदर स्टेलियन और जो सिस्टर पोलोमिनो थे वो बहुत वाइल्ड थे, जंगली थे और बहुत एक्टिव थे. दे गेट अप अर्ली एंड गो फॉर रॉम. वो सुबह जल्दी उठ जाते थे और रॉम, रॉम मतलब कि कोई एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी, कोई हाई एक्टिविटी जिसमें बहुत रोमांचक या वाइल्ड थिंग्स करते थे वो. म्यूल ब्रदर वॉज नॉट एज वाइल्ड बट समटाइम्स डिड वाइल्ड थिंग्स. म्यूल जो था वो इतना जंगली नहीं था, इतना वाइल्ड नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन वो समटाइम्स वाइल्ड थिंग्स, कुछ ना कुछ एक्टिव थिंग्स कभी कभी करता रहता था. एंड कुड वर्क हार्ड, और वो मेहनत भी कर सकता था. लिटिल जैबरा वॉज वेरी लेजी. लिटिल जैबरा जो था वो बहुत लेजी था. एंड ही डिड रेस्ट ऑल डे लिव इन हिज पजामा मोस्ट ऑफ टाइम. और वो पूरे दिन रेस्ट करता रहता था और ज्यादातर अपने पजामा में ही रहता था मोस्ट ऑफ टाइम. क्वेश्चन टू, व्हाई डिड जैबरा ब्रदर एंड सिस्टर नॉट से एनीथिंग टू हिम, हाउ डिड दिस अफेक्ट हिम. जैबराज के ब्रदर और सिस्टर ने उसे कुछ भी क्यों नहीं कहा, और हाउ डिड दिस इफेक्ट हिम, और इस बात का उस पर क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव हुआ. जैबराज ब्रदर एंड सिस्टर्स डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम बिकॉज ही वॉज यंगेस्ट इन ऑल ऑफ देम. जैबरस के ब्रदर और सिस्टर ने उसे कभी भी कुछ भी इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो बहुत छोटा था, सबसे सभी में सबसे छोटा था. एंड ही ग्रू मोर लेजियर विद दिस, और इससे क्या हुआ कि इससे वो बहुत ज्यादा लेजी, बहुत ज्यादा आलसी बन गया. व्हाट हैपेंड इन द हॉर्स फैमिली होम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द मीटिंग. जो जिस दिन मीटिंग थी उस दिन मॉर्निंग में क्या हुआ हॉर्स फैमिलीज के अंदर. स्टेलियन, पोलोमिनो एंड म्यूल टू woke up early to did their run and work and got ready for meeting. Stallion और जो Palomino थे और जो mule था वो जल्दी उठ गए और उन्होंने अपना run complete किया, Stallion और Palomino ने, और जबकि mule ने अपना work complete किया और वो meeting के लिए ready हो गए. But little Jabra could not able to wake up early, so they left him and went off for meeting. But they were scared for Jabra. Little Jabra जो था वो सुबह जल्दी नहीं उठ सका और उन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया और वो मीटिंग के लिए निकल गए, लेकिन वो जैबरा के लिए डरे हुए थे. व्हाई डिड द किंग गेट एंग्री, व्हाट डिड ही डिमांड. किंग जो है वो एंग्री क्यों हो गया और उसने क्या डिमांड की. किंग जो है वो इसलिए एंग्री हो गया क्योंकि उसने देखा कि जैबरा जो है उसने मीटिंग को अटेंड नहीं किया. ही डिमांडेड एट जैबरा बी ब्रॉट टू हिम इमीडिएटली. तो उसने क्या कहा कि उसने कहा कि जैबरा को जल्दी से इमीडिएटली लाया जाए. Why did the king get angry after Jabra came for the meeting? What cause did he put on Jabra? जब Jabra मीटिंग के लिए आया तो किंग और भी ज्यादा एंग्री क्यों हो गया
और उसने जेब्रा को क्या कर्ज दिया, किस तरीके से उसने उसको श्राप दिया। द किंग गॉट एंग्रियर बिकॉज जेब्रा हैड रीच्ड लेट इन मीटिंग एंड ऑल्सो फॉरगॉट टू चेंज हिज पजामा। ही हैड कर्ज्ड हिम दैट ही एंड हिज डिसेंडेंट विल नेवर बी एबल टू रिमूव देयर पजामा। किंग जो है वो इसलिए एंग्री हो गया क्योंकि जेब्रा जो है वो मीटिंग में बहुत लेट पहुंचा था और वह पजामा को चेंज करना भी भूल गया था, और उसने इस तरीके से उसको कर्ज किया कि वो जेब्रा और उसके जितने भी वंशज हैं आगे आने वाले वो कभी भी अपने पजामा को रिमूव नहीं कर पाएंगे। मैच दीज वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स। वाइल्ड, टेम, डिफरेंट, सिमिलर, एक्टिव, लेजी, सब्जेक्ट, रूलर, पर्सेंस, अब्सेंस, रॉम, प्ले, टेरिफाइड, डरा हुआ, स्केयर्ड, नज, पॉक, आर्ग्यूमेंट, क्वेरल, आर्ग्यूमेंट, क्वेरल, मिस्टेबल, अनहैप्पी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद हैज और हैव, एंड ऑक्टोपस हैज 8 लैक्स, चार्ली हैज बॉट ए न्यू बाइसाइकिल, I have got four new pencils. She has a kind heart. Shikha and Amin have scored A+ in their science subjects. This week we don't have a sports period. We have decided to meet at the restaurant at 1 o'clock today. Fill in the blanks with was, were, or had. When I was a baby, I had a pink cot. We had a tough time finding Mr. Lal house. There had 25 students in our class last year. Flowers were blooming in this garden last spring. I had a pet squirrel when I was a child. Tim had some milk and went to sleep. So I have completed this lesson, my students. And how you find this story? If you like this story, please share this videos more and more to help your friends. And if you like this videos, please subscribe my channels, and I'll meet you with our next lesson in the new video soon. Till then, bye bye.